जी, अपने शहर में पहली बार इतनी बड़ी ज्वेलरी एग्जीबिशन लगी है। आज तो मैं कुछ जेवर खरीद के ही जाऊंगी। दादी जी, ये देखिए। नाना जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। कल से अच्छे अच्छे जेवर पहन के निकला करो। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? ए भाई साहब, अपने जेवर ले लो, वरना मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। नाना जी जाओ, आपके जाते जाते भीड़ लग जाएगी। मैं जेवर चंद बोल रहा हूँ। अब एग्जीबिशन बंद करने का टाइम है, तो प्लीज लीव। कल सुबह 10 बजे फिर से एग्जीबिशन ओपन होगा। यहाँ रात भर लड्डू सिंह जी और हमारे सिक्योरिटी का पहरा रहेगा, सो डोंट वरी। अरे सुनो चाय वाले, अरे इंस्पेक्टर लड्डू सिंह जी और सबको बढ़िया से चाय तो पिलाओ। लगता है चाय में नींद की दवा थी। चाय पीते ही कितनी नींद आ रही है। लगता है चोरी होने वाली है। शिवा को फोन करना पड़ेगा। उस चाय वाले ने सबको सोने की चाय पिला दी है। लड्डू सिंह जी, चाय सोने की नहीं, ज्वेलरी सोने की होती है। अरे चाय वाले ने चाय में कुछ मिलाकर सबको सुला दिया और कुछ लोग लूटपाट कर रहे हैं। इन 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 अच्छा भैया इंस्पेक्टर साहब, मारो काम तो हो गयो। मैं चलता हूँ, जरा ठीक से पहरा देना। नटवर लाल है मारो नाम, चोरी करना मारो काम, के समझे इंस्पेक्टर? लड्डू सिंह जी उठिए, लड्डू सिंह जी, लड्डू सिंह जी उठिए, मैं हूँ शिवा। शिवा तुम आ गए? अरे पर चार चार शिवा, अरे एक ही शिवा काफी था, चार चार। लड्डू सिंह जी मैं यहाँ हूँ, आप अभी होश में नहीं है, आप मुझे ये बताइए वो चोर किस तरफ भागे हैं? अरे शिवा समझ में नहीं आ रहा है कि चार रास्तों में से किस रोड पर वो लोग गए। मेरे ख्याल से इस तरफ। नहीं 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 शिवा, शायद उस तरफ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं चोर के पीछे जा रहा हूँ।
समझ बच्चे, रास्ते से हट जाओ। बच्चा मत कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। मैसेज कर दिया था कि वो इस दिशा में जा रहा है। एक होशियार पुलिस ऑफिसर को पता होता है कि किस सिचुएशन में कौन सा प्लान काम करेगा। इस सिचुएशन में प्लान शिवा का इस्तेमाल मैंने किया और कामयाब हुआ। सर, असली चोर तो भाग गया, ये उसका आदमी है। हे अंकल, बताओ आपका बॉस कौन है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ फोन पे ही कांटेक्ट करता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। ओहो, चोर बच के कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक से बढ़कर एक प्लान है, छोड़ूंगा नहीं। और सबका नाम है प्लान शिवा, प्लान शिवा, प्लान शिवा। शट अप बेलाराम, चलो इसे पुलिस स्टेशन ले चलो, चलो। बहुत भारी हो। हमने बहुत ही बहादुरी से अपने प्लान को अंजाम दिया है। उन चोरों में से एक को हमने पकड़ लिया है, जल्द ही बाकी के भी पकड़े जाएंगे। लड्डू सिंह जी, उस चोर नटवर लाल के आदमी को आपने पकड़ा या फिर शिवा ने? ये लड्डू सिंह से खुद तो कुछ होता नहीं, हमेशा मेरे बच्चे को फंसा देता है। शिवा, तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे मैंने पकड़ा या शिवा ने, बात तो एक ही है। नटवर लाल, एक बात ध्यान से सुन लो, तुमने लड्डू सिंह के शहर में इतनी जरूरत दिखाई, तुम जैसे छोटे मोटे आने पौने चोरों के लिए मेरा शिवा ही काफी है, समझे? इस शिवा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। किसी का भी दिमाग नटवर लाल के खुराफाती दिमाग से तेज नहीं हो सकता। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम जमींदार ठाकुर सिंह है। मैंने सुना है कि आपको गाने का बहुत शौक है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर? ये देखिए, ये है बंगले की फोटो। इस बंगलो को मैं बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं एब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ। बंगले के आगे एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर रोज सुबह शाम पंछी चहकते रहते हैं। गार्डन के दूसरी तरफ समंदर की लहरें अटखेलियां करती हैं। इतना ही नहीं, बंगले के पीछे सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ भी हैं। सोचिए जरा, जब रोज सुबह आप रियाज करेंगे तो उसकी धुन पर मोर नाचा करेंगे, आप यहाँ संगीत एकेडमी खोल सकते हैं। नाचे मोर
लगता है चिड़िया जाल में फंस गई। क्या हुआ भाई साहब? हाँ? डील तो अच्छी है, पर पहले बंगले की कीमत बताओ। कीमत तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़ में इतना सुंदर बंगला? मैं यहाँ संगीत अकेडमी खोलूंगा। मुझे एड्रेस दो, मैं 1 करोड़ रुपए लेकर अभी आता हूँ। एक बंगला। अरे जल्दी करो, वो आता ही होगा। सामने की दीवार तो लगाओ। हेलो ठाकुर साहब, ये लीजिए आपके 1 करोड़ रुपए। और ये रहे इस बंगले के कागजात आपके नाम। अब आप इस दालान पर बैठकर गाना गाइए, फिर देखिए मोर नाचेंगे, हिरन आपके पास आ जाएंगे, कोयल कूकेगी। थैंक यू, अब मैं यहाँ संगीत अकेडमी खोलूंगा। अच्छा, फिर मिलेंगे, कोई काम हो तो याद कर लीजिएगा। बाय बाय। ये बंगला मेरा प्यारा 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 प्यारा। नहीं, वो मुझे शूटिंग वाला बंगला देखकर उल्लू बना गया। शिवा जी, जी नाना जी, क्या क्या? ओह नो, मैं अभी उसे रास्ते में ही पकड़ता हूँ, वो इसी तरफ से ही जा रहा होगा। क्या हुआ शिवा? कोई नाना जी को 1 करोड़ का चूना लगा गया। दादाजी ने जो कार बताई थी वैसी ही कार टीले की तरफ जा रही है, मैं उसका पीछा करता हूँ। इस बच्चे को भी चैन नहीं है। अरे बच्चा नहीं, मुसीबत की पुड़िया है, जब देखो पीछे लगा रहता है। लेकिन वो कुछ भी कर ले, नटवर लाल के दिमाग से तेज उसका दिमाग नहीं हो सकता। चालाक है ये, वही चोर होगा जिसने ज्वेलरी एग्जीबिशन में चोरी की, हर बार धोखा दे जाता है। मेरे पास एक प्लान है, उसमें नाना जी और लड्डू सिंह जी को भी शामिल करना होगा। चलो। हमारे दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ राजा ऑफ झेलम मौजूद है। उनके साथ है उनका ग्रैंडसन वीर प्रताप सिंह,
और ग्रैंड डॉटर रेवती राजा साहब प्रिंस वीर प्रताप का बर्थडे आ रहा है। सुना है आप उनको बेतास शहर में कोई बंगलो गिफ्ट करना चाहते हैं। अब की बार हम अपने प्रिंस के लिए एक महल जैसा पर नए स्टाइल में बना बंगलो ढूंढ रहे हैं। प्रिंस को वेदास सिटी बहुत पसंद है, इसलिए सोच रहे हैं यहाँ पर आउटिंग के लिए एक बंगलो खरीद लें। अगर हमें अपनी पसंद का बंगलो मिल गया तो हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। ये तो बहुत मालदार पार्टी लगती है, क्यों ना मैं अपने बंगले को ही राजा को बेच दूं? लगता है आपको बंगला जल्द ही मिल जाएगा। किसी बंगले के मालिक ने हमारा इंटरव्यू देखा और फोन कर दिया। और किसी के पास राजा साहब के लिए बंगला हो तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें। तब तक राजा साहब इस बंगले को जाके देख लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, मेरा नाम राजा कुंवर प्रताप है, अब सिर्फ नाम का राजा रह गया। ये बंगला मैं बेचना चाहता हूँ। सुना है आपको वेदास सिटी में एक अच्छे बड़े बंगलों की तलाश है। महाराज, हमें ये बंगला बहुत अच्छा लगा, हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेलेंगे। ठीक है, हमारे प्रिंस को ये बंगलो बहुत अच्छा लगा है, ये लो तुम्हारे बंगलो की कीमत। ये क्या कर रहे हैं महाराज? अरे सिर्फ एक हीरे से ऐसे 10-20 बंगले खरीद सकते हैं, आपने तो पूरा हार ही दे दिया। हम खुश हैं और जब हम खुश होते हैं तो सबको खुश देखना चाहते हैं। ये लो, ये भी लो, ये भी लो। राजा साहब बस करिए, बस करिए, बहुत खुशी बांट दी, वो इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बर्दाश्त कर लूंगा और खुशी बांटिए और। ये लो 20 करोड़। अरे बस बहुत हो गया, इनफ। अरे क्यों हमारे महाराज को लूटने में लगे हो? हाय, दफा हो जाओ, जाओ। दे दो। ये लीजिए घर के कागजात, मैं चलता हूँ। शुक्रिया राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो असली राजा निकले, मैं तो सिर्फ नाम का राजा हूँ, चलता हूँ। बेड़ा राम, नाका बंदी कर दो, काली कार में नटवर लाल आ रहा है, उसे पकड़ लो, वो इस बंगले से निकल चुका है, जाओ। वो लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अभी कुछ देर पहले तो वो मंत्री भड़क रहा था, अभी खुशी से उछल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, ये सब नकली नोट हैं, कहीं हीरे मोती भी तो नकली नहीं है? ये भी नकली। ओहो, नटवरलाल को चूना लगा दिया इन लोगों ने। डेल्टा फोर्स सुनो। दुनिया को चूना लगाता और तुम लोग मुझे चूना लगा रहे हो? लाओ मेरे बंगले के कागज। अब तो तुम्हें जेल ही जाना है नटवरलाल, यू आर अंडर अरेस्ट, पकड़ लो। सब जेल जाओगे। ए बच्चे, सामने से हट जाओ।
बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अरे भैया, मैं ठग हूँ, चोर हूँ, फाइटर नहीं हूँ। हे इंस्पेक्टर, मुझे पकड़ के ले चलो, जेल तो जाना ही है, फिर मार क्यों खाऊं? इस बच्चे ने तो बड़े बड़ों को ढेर कर दिया है। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा।